Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. समय आ गया है, अब हम स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करेंगे. स्वर्ग लोक हमारा होगा, असुरों का. असुर सम्राट, ये लोग भले ही युद्ध के लिए लालायित हैं, किंतु क्या इनमें इतनी शक्ति है? देखिए कितने क्षीण हो चुके हैं ये, और देवताओं को युद्ध में परास्त करने के लिए हमें शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है. यदि इन असुर सेनाओं द्वारा हमें स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित करना है तो सबसे पूर्व इनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा इन निर्बलों को शक्ति नहीं मिलेगी. उचित कहता है दंतक. असुरो, आज से नवीन नियम लागू होगा यहाँ. अब तुम सब बालकों का नहीं राक्षसियों का भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे. जाओ और अपना भोजन आरंभ करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ. जाओ. असुर स्त्रियों का भक्षण, ऐसा आदेश क्यों दिया सम्राट? एक कपटी स्त्री आदि शक्ति की भक्त तारुका के कारण हमारी यह स्थिति हुई है. ये कदापि मत भूलो बाबूज. वो स्वयं तो चली गई यहाँ से, किंतु हमें हमारी दुर्दशा के लिए यहाँ पीछे छोड़ गई. हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियाँ. भूल जाएंगी आदि शक्ति की भक्ति करना. और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं हमारी प्रतीक्षा जो कर रही है. दुष्ट था ना ये राक्षस माता. एक दारुका पर क्रोध के कारण इतना बड़ा अन्याय किया उसने. अपने ही समुदाय की स्त्रियों को, सभी असुर स्त्रियों को इतनी भयानक मृत्यु का दंड दिया. ये भी नहीं सोचा उसे जन्म देने वाली भी एक नारी ही है. दुराचारी राक्षसों में भी इस राक्षसता ये कृत्य. स्त्रियों पर ऐसा आघात तो नीचता की पराकाष्ठा है. असुरों की तामसी प्रवृत्ति यही होती है गणेश. दया, ममता, कलेश मात्र भी नहीं होता उनमें. होता है तो एकमात्र अहंकार का अंधकार. दारुक से भी अधिक कुटिल और दुष्ट था एकाक्ष. और जो वो चाहता था उसके लिए वो किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए तैयार था. और फिर जो उसे चाहिए था वो उसने प्राप्त कर ही लिया. अर्थात एकाक्ष अपने राक्षसों की सेना लेकर स्वर्ग पहुंचा, जिसके कारण ऐसा भूकंपन हुआ कि स्वर्ग ही कंपित हो उठा. देव सभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर चुकी है और अन्य समाचार भी संतोषजनक है. पृथ्वी पर संतुलन शांतिपूर्वक स्थापित है. ऋषिगण, स्त्रियां, मनुष्य सभी सुरक्षित हैं और असुरों ने अन्य जीवों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख ही लिया.
मैं सहमत हूँ इंद्रदेव, दारू के आतंक के पश्चात पृथ्वी पर शांति के लिए हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं, वहां सर्वत्र शांति है। हाँ सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हमें तब भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन असुरों का कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किसी भी समय कोई ना कोई नवीन संकट अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। एंद्र, एंद्र। इसका स्वर था ये। स्वर्गलोक का कोई भी वासी मुझे इस प्रकार नहीं पुकार सकता, तो फिर कौन है ये? कौन हो तुम और यहां स्वर्गलोक आकर इतनी धृष्टता से मेरा नाम लेने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? अति उत्तम, चमक दमक से परिपूर्ण है स्वर्गलोक, सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुना था स्वर्गलोक संपन्न है, समृद्ध है, और आज अपने एकमात्र नेत्र से देख भी लिया। जो कुछ सुना था सत्य था, और समझ में भी आ गया कि तुम देवता गण अपने इस स्वर्ग लोक की रक्षा क्यों करते हो। और क्यों ना करो रक्षा, ये दुष्ट क्यों आया है यहां? रक्षा करने योग्य सभी कुछ तो है तुम देवताओं के पास, बड़े ठाट हैं तुम देवताओं के, इतने सुंदर भवन हैं तुम्हारे, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, और शीश पर धारण करने हेतु इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं, स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यहाँ, और वो जिनसे मैं और मेरे असुर सर्वाधिक मुग्ध हैं, और वो अनेकों अद्भुत सुंदरियां हैं। बस, अब ना एक भी शब्द कहना और ना ही एक भी पग आगे बढ़ाना, अन्यथा इसका भीषण परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ओ इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या करता, तुम्हारा ये सुंदर लोक देखकर सब कुछ स्वयं मेरे मुख से निकलता ही चला गया। किंतु अब तुम्हारे गीदड़ भभकी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं, कदापि नहीं। परिणाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा इंद्रदेव, क्योंकि अब तुम्हारे राज की इति समाप्ति करूंगा मैं। तुम देवता यहां स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हो, और हम वहां
कंकड़ पत्थर की शैया पर विश्राम करने के लिए विवश है। तुम देवतागण यहाँ भोग और विलास का जीवन बिता रहे हो, पर वहाँ मेरे असुर भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मूर्ख असुर, तुम्हारे कर्मों के कारण ही माता महाकाली ने तुम्हें रसातल लोक में स्थित किया है, किंतु तुमने वहाँ पे भी कुकर्म किए, अपने सारे साधन नष्ट कर दिए। जब तुम ही प्रकृति का निरादर करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा। प्रवचन बंद करो अपना सूर्यदेव, उधर भरा है इसलिए मुख से ज्ञान फूट रहा है, किंतु भूख लगने पर ज्ञान नहीं मात्र भोजन की इच्छा होती है, भोजन की। तो ठीक है, परिस्थिति उलट देते हैं। तुम कोमल देवता हमारा स्थान लेना, और हम असुर रहेंगे स्वर्ग लोक में। कदाचित तुम ऐसे मानोगे नहीं, प्रतीत होता है बलपूर्वक मुझे तुम्हें रसातल लोक लौटाना ही होगा। अर्थात ये असुर एकाकी नहीं है। मेरे योद्धाओं और उनके अस्त्रों के समक्ष तुम शक्तिहीन हो इंद्रदेव, शक्तिहीन। ये देखो, मेरा योद्धा और तुम्हारी पराजय का स्वरूप। और दूसरा तुम देवताओं के लिए तो मेरे योद्धा ही पर्याप्त है, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। बस, बस! बहुत बोल चुके तुम, अब और नहीं। तो दिखाओ अपना पराक्रम और शांत कर दो मेरा क्रोध, अन्यथा ये स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाओ रसातल में। संतक कदाचित थोड़ा कष्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए इंद्रदेव, तुम्हें कष्ट देने के सुख से मैं कैसे वंचित रह सकता हूँ। बाबू बोल, दिखाओ अपना पराक्रम। Ha 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 ha!
दुष्ट असुर, शीघ्र अंत करूंगा मैं तुम्हारा। साहसी असुरो, हम देवताओं का सामना नहीं कर पाओगे तुम। कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक पाओगे, कदापि नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करने की तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दुष्ट असुर। हम देवताओं की शक्ति से पार पाना इतना सहज नहीं है। क्यों, परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे बल का? स्मरण रहे तुम्हारा सामना देवराज इंद्र से हुआ था। अपने असुरों को लेकर लौट जाओ अपने लोक, अन्यथा पुनः दया नहीं करूंगा मैं। चलिए देवगण। स्वीकार करता हूं मैं, भूल हो गई मुझसे, थोड़ा कम आंक लिया था मैंने तुम देवताओं को। तो ठीक है, अब मैं युद्ध का नियम परिवर्तित करता हूं। अब एक देवता और एक असुर में युद्ध नहीं होगा। प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का आह्वान कर रहा है। अब ये ध्वनि कैसी? ये ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है हमारे समक्ष? ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर? अपनी भयानक ध्वनि के साथ ये हमारी ओर ही बढ़े आ रहे हैं।
देवताओं, अब आएगा आनंद युद्ध का। क्यों देवताओं, कैसा लगा मेरा उपहार? स्वर्ग लोक आया हूँ, असुर हूँ, किंतु कुछ नियम मैं भी जानता हूँ, इसलिए अपने अनुसार उचित उपहार लाया हूँ तुम सभी के लिए। भोजन प्राप्त होगा हमें, आक्रमण करेंगे हम, स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे, असुरों का साम्राज्य होगा, स्वर्ग लोक हमारा होगा। भोजन प्राप्त होगा हमें, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार होगा, भोजन करेंगे। इस असुर समूह का क्या करें हम? आक्रमण! देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए और नष्ट कर दीजिए इन दुष्टों को। क्षति नहीं होगी, किंतु हमारे प्रहारों से नष्ट होंगे देवता। देवगण, और शक्तिशाली प्रहार कीजिए इन पर। हमारे निकट पहुंचे इसके पूर्व ही इन्हें रोकना होगा हमें। मैं सूर्यदेव तुम्हें अपनी ऊर्जा से भस्म कर दूंगा।
संकट विकट है। ये असुर तो असंख्य है, इन्हें कहां तक नष्ट करेंगे हम? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव सभी घिरे हुए हैं। ये दुष्ट कुछ नष्ट होते हैं तो उनसे अनेक गुना अधिक उत्पन्न भी हो जाते। अब कहो देवताओं, आनंद आया? अब बोलो, इस युद्ध के पश्चात किसका अधिकार रहेगा स्वर्ग लोक पर? असुर सम्राट, देखा आपने, मैंने कहा था ना, यदि हमारी सेना शक्तिशाली हुई तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। उचित था, तुम्हारा कथन उचित था दंतक। अब कुछ ही समय में देवताओं की पराजय निश्चित है, निश्चित। उन असुरों से युद्ध के लिए देव सेना भी प्रकट हुई, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि देवता और उनकी सेना नहीं टिक सकी उन दुष्ट असुरों के समक्ष। इस युद्ध में हमारा सफल होना संभव नहीं है, हमारी सुरक्षा संकट में आ जाएगी, हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे ज्ञात था यही होगा, यही। भाग गए सभी भीरु देवता, ज्ञात था मुझे विजयी होंगे हम। स्वर्ग लोक पर अब हमारा, हम असुरों का अधिकार होगा, हम असुरों का। आप सभी देवता स्वर्गलोक असुरक्षित छोड़कर चले गए। उस समय हम निरुपाय हो गए थे प्रथम पूज्य गणेश जी, उन असंख्य रक्त पिपासु कीट असुरों के समक्ष लाचार थे हम, और स्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी, इसलिए उस समय युद्ध को छोड़कर स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था, जिससे भविष्य में हम सहायता प्राप्त कर उन असुरों का सामना कर सके और स्वर्गलोक को उनके प्रभाव से मुक्त करा सके। तो सहायता के लिए आप कहां गए थे देव राजेंद्र? उसे एकमात्र शक्ति के पास, जो स्थिति में हमारी सहायक बन सकती थी। कदाचित मैं समझ गया वो शक्ति कौन थी। जब जब संसार में पाप की अति होती, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती, ये निश्चित। पाप और पापियों का सर्वनाश अवश्य होगा। मेरे अगले अवतार के प्रकट होने का समय आ गया, देवी छिन्मस्ता। स्वर्ग लोक पर अब मेरा और मेरे असुरों का अधिकार है, मेरा। ये भोग विलास, ये सुख सुविधाओं भरा जीवन, इस सब पर अब हमारा, असुरों का अधिकार है, असुरों का। ये सब अब हमारा है, हमारा, और मैं हूं।
स्वर्ग लोक का सम्राट, सम्राट एकाक्ष। ये सब अब हमारा है, हमारा। कैसा भयंकर स्वर है ये? कौन है? प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की कोई भी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।